हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज एक और गणपति स्पेशल रंगोली बनाना सीखते हैं। यहाँ पर हम एक ओम के अंदर गणपति का फेस बनाएंगे और नीचे की तरफ तरफ फूल पत्ती से डिजाइन बनाएंगे। तो पहले जो ओम है वो ड्रॉ कर लेंगे और ओम से लगा हुआ एक फेस बनाएंगे। जो ओम है वो थोड़ा सा मोटा करके रेड कलर से भर देना है। आप जितना मोटा करना चाहते हैं उतना आप उसका मोटाई बढ़ा सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा चांद का शेप बनाना है। इसके बाद जो कॉटन बर्ड है, कॉटन बर्ड लेके जो आउटलाइन है वो एकदम फिनिशिंग करना है। जैसे एकदम जहां पे कॉटन बर्ड अंदर नहीं जाता है और पर शार्प नहीं हो रहे, तो वहां पर आप जो स्केच पेन है, जो हम खाली स्केच पेन से करते हैं, वो स्केच पेन से करेंगे तो वो एकदम शार्प अंदर तक जाएगा। चलिए, ये जो फेस है यहाँ पर सबसे पहले जो लाइट ब्लू कलर भर देंगे। लाइट ब्लू कलर में भी थोड़ा सा व्हाइट मिला के सामने की तरफ देंगे थोड़ा सा लाइट करने के लिए। जो ब्लू कलर हम यूज किए उसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे ब्लू कलर तो डार्क हो जाएगा, और उसमें से और थोड़ा ब्लू कलर मिला के लाइट से डार्क तक आना है। जैसे हमने यहाँ पर लाइट से डार्क तक कलर भर दिए, अब एक डार्क ब्लू कलर से जो कान के भाग है वो कान के भाग को बनाना है, वो थोड़ा सा डार्क देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब आंखें बनाएंगे, आंखें बनाने के लिए ब्लैक कलर यूज करना है। यहाँ पर व्हाइट कलर भरना है। अब जो डार्क ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर से जो नीचे का भाग है, नीचे का भाग को ये थोड़ा डार्क ब्लू कलर देना है, और उससे भी थोड़ा डार्क ब्लू कलर से जो आई बॉल है वो बनाना है, और जो बीच में है वो एकदम डार्क ब्लैक कलर भरना है। तो नीचे जो हमने डार्क ब्लू कलर भरे उसमें उसके जो बीच में थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर भरना है ताकि थोड़ा चमक आए, और जो ब्लैक कलर भरे थे बीच में थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा एक डॉट व्हाइट डालना है। तो वो जो आईज है वो थोड़ा सा लाइव हो जाएगा। तो ये हमारा आईज बन गया। अब जो आगे का भाग है उसको हम ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे, या जो ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर था उसमें भी आप ब्लैक मिला के डार्क करके मिला सकते हैं। तो यहाँ पर एक दांत बनाएंगे, उसके अंदर सफेद कलर भरेंगे। अब इनके जो माथे पे थोड़ा ऑरेंज कलर से टीका लगाएंगे और नीचे थोड़ा येलो कलर भरेंगे कुछ डॉट। अब ऊपर में जो भाग क्लीन नहीं हुआ है वहां पर थोड़ा सा फिर से रेड भरना है ताकि थोड़ा फिनिशिंग हो। और फिर से कॉटन बर्ड लेके जो आउटलाइन है वो फिनिशिंग करेंगे। इस प्रकार नीट एंड क्लीन काम करते हुए जाना है अपने को, और नीचे का जो भाग था वो भाग भी ऐसा बना लेना है ब्लैक रेड कलर से, और उनको भी कॉटन बर्ड से ऐसा फिनिशिंग करना है। तो ये जो ओम के जो एंडिंग भाग है और जो सूर्ण के भाग है गणपति जी के, वहां पर एक मोरपंख बनाएंगे। मोरपंख बनाने के लिए भी वही दो तीन स्टेप रहता है, जो पहले लाइट ब्लू कलर भरना है, उसमें के अंदर थोड़ा सा हार्ट शेप में डार्क ब्लू कलर भरना है, डार्क ब्लू कलर में भी थोड़ा सा ब्लैक यूज करना है तो कि थोड़ा ज्यादा डार्क दिखे। अब जो साइड में है ये हमने ऑरेंज कलर में थोड़ा सा कत्था मिलाए तो थोड़ा सा इस तरीके से कलर बना है, तो ये कलर भरेंगे साइड में। अब इसके बाद जो लाइट ग्रीन कलर है उनको उनको भरेंगे साइड में, लाइट ग्रीन कलर को। अब थोड़ा सा डार्क ग्रीन लेके साइड में इस प्रकार रेशा बनाएंगे,
और इसके बाद फिर से डार्क, उससे भी डार्क कलर लेके करेंगे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर से भी लाइनिंग खींचेंगे, इस प्रकार ब्लैक कलर से भी लाइनिंग खींचे। अब जो हमने जो ऑरेंज कलर के साथ थोड़ा कत्था मिला के कलर बनाए थे, वो थोड़ा साइड से भी देना है। इस प्रकार एक सुंदर सा मोर पंख बनाना है, ताकि जो हम रंगोली बना रहे हैं वो उसके साथ वो मैच हो और थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। अभी इसके अंदर भी थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं कलर, ऑरेंज कलर भर के। फिर ये जो टूथपिक है, टूथपिक लेके थोड़ा सा रेशा मारेंगे तो थोड़ा बारीक रेशा दिखेगा। तो डार्क और लाइट ग्रीन कलर से फिर से एक बार लाइनिंग खींचना है। तो इस प्रकार एक सुंदर सा मोर पंख बन गया। अब नीचे इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर तीन फूल बनाएंगे। तो एक छोटा सा कोई भी आप शेप ले सकते हो, ऊपर ऐसा डॉट बनाना है, अब हाथ से भी डॉट बना सकते हैं इस प्रकार, कोई एक चीज रख के गोल। फिर एक कॉटन बर्ड लेके जो डॉट है डॉट के बीच में रखना है और पीछे खींचना है इस प्रकार। जो हमने जो लाइट डार्क कलर, डार्क ब्लू कलर यूज किए थे और बीच में थोड़ा लाइट कलर डाले छन्नी से, बीच में थोड़ा सा व्हाइट कलर डालना है, और कोई भी एक प्लेन जो डब्बा है वो लेके दबाना है। तो ये एक सुंदर सा फूल बनेगा। इस प्रकार अपने को दो साइड में फूल बनाना है। फिर जो व्हाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर है उसको डॉट बनाना है, और ये डब्बा है स्टील का, ये डब्बा को वो डॉट के ऊपर रखना है, थोड़ा सा आगे खींचना है। और फिर जो स्केच पेन है, स्केच पेन को लेके इनको पत्ती का शेप देना है दो साइड से करना है, और बीच में एक लाइनिंग खींचना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो जगह खाली है वहां पर हमने थोड़ा सा येलो कलर यूज करेंगे, तो ये थोड़ा सा पैक हुआ है। अभी ऊपर थोड़ा सा एक कली बनाएंगे, उसके लिए एक डॉट डाले और नीचे थोड़ा सा डार्क ग्रीन डाले, और जो अपने का जो डब्बा था उसको दबा दिया, तो एक सुंदर सा बर्ड बना। तो इस प्रकार एक सुंदर सा रंगोली बना सकते हैं। आपको यदि पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।